तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। ठीक है भाई, आज हम लेकर आ गए हैं एक न्यू अमेजिंग वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कि भाई आप कैसे, ठीक है, कि आप कैसे स्ट्रीम चैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस कुछ मिनट का प्रोसीजर है। ठीक है, आपका भाई आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बार आपको समझ आ गई ना वीडियो, तो भाई आप मतलब चैम्पियन बन जाओ स्ट्रीमिंग के मामले में। इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अपन अभी करते हैं स्टार्ट वीडियो को, मतलब आगे चलते हैं वीडियो में। तो भाई सबसे पहले अपन आ जाते हैं फ़ोन स्क्रीन पर। तो फ़ोन स्क्रीन पर आते ही हम दिखा देते हैं, ये देखो पर्पल कलर का जो आपको ऐप दिख रहा है ना, ये है स्ट्रीम चैम। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं, आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखा देते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे भाई फुल स्ट्रीम सेटअप है, ओवरले वगैरह लगा है, पबजी की स्ट्रीम चलती है अपनी। तो भाई ऊपर पबजी मोबाइल ओनली TTM लिखा, ये टाइटल आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो अपन इसको उड़ा देते हैं मोबाइल से। ठीक है, हमने इस ऐप को कर दिया डिलीट, अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, ताकि भाई आपके सामने प्रूफ बिल्कुल न्यू न्यू अभी स्टार्ट किया। ठीक है, देखो चलते हैं प्ले ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे चल के भाई यहाँ पर हम सिंपली सर्च कर देते हैं स्ट्रीम चैम्प। क्या करना है आपको, सर्च स्ट्रीम चैम्प, तो भाई आपका ऐप आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ये पर्पल वाला। ठीक है, सिंपली भाई इसको आप डाउनलोड कर लो, थोड़ा बहुत ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें देख लो क्या कैसा है। भाई ये ओनली iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, तो भाई एंड्रॉयड डिवाइस वाले टेंशन ना लें, आपके लिए दूसरे ऐप्स हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं आपके लिए। तो ठीक है, तो भाई ये अपना ऐप डाउनलोड हो चुका है, अपन ओपन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भाई साइन इन का ऑप्शन आता है, तो आप साइन इन पर क्लिक करो। ठीक है, जो जो डिटेल आपसे पूछता है वो सब फिल कर दें, जैसे कि आपका यूज़र नेम। ठीक है, हमारा यूज़र नेम हमने गेमिंग इंजन फिल कर दिया, आप अपना यूज़र नेम जो भी आप वो फिल कर देना। ठीक है, इसके बाद भाई आपका पासवर्ड वगैरह रखने का है, तो भाई पासवर्ड वगैरह आप जो भी सेट करना चाहते हो, आप जो याद रख सको। ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, थोड़ा लेंदी पासवर्ड रखना, इजीली ले लेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है, तो भाई हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जो भी हो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई करेक्ट डाल देना, इसमें क्या ही मतलब गलत डाल के भी क्या कर लोगे। ठीक है, तो भाई इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पर भाई ईमेल एड्रेस मांगेगा आपसे। तो ईमेल एड्रेस भाई जो आप यूज़ करते हो, मतलब जो आपका चालू ईमेल एड्रेस हो जिस, ठीक है, वो वाला ऐड करना है। ऐसा मत करना कि भाई कोई भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब भाई इसको अपन ऐड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो भाई ये अपना अकाउंट बनने लगा। ठीक है, यहाँ पर भाई बोल रहा है कि आप एक पजल बनाओ, मतलब भाई थोड़ा प्रोग्रेस चलेगा। उसके बाद वो बोलता है कि भाई आप एक वेरिफिकेशन के लिए एक पजल को सॉल्व करो। ठीक है, हमने भाई कंटिन्यू पे क्लिक किया, अपन जल्दी से एक पजल सॉल्व कर देते हैं भाई, क्या जाता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अपन को ये दिखा दिया, जो भी पजल वगैरह सॉल्व किया अपन ने, तीन स्टेप थे, तो हमने भाई जल्दी से करके आपको एक स्टेप में दिखा दिया। तो आप जैसे ही पजल सॉल्व करोगे, यहाँ पर भाई थोड़ी बहुत और आपको वार्निंग वगैरह, मतलब जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दिखाएगा। आप ऑथोराइज पर क्लिक करो, आपका ऐप चालू हो गया। भाई देखो सिंपली अपन फिर से आ गए भाई ऐप की स्क्रीन पर, ठीक है, होम स्क्रीन पर। तो भाई यहाँ पर ऊपर कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई अभी हमने कुछ सेटअप ही नहीं किया। ठीक है, अपन चलते हैं सबसे पहले थ्री डॉट थे ऊपर राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करते हैं। देखो ऊपर, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो भाई सेटिंग खुल जाएगी, बट अभी अपन पहले टाइटल वगैरह चेंज कर देते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे, तो भाई यहाँ पर चैनल सेटिंग में अपना टाइटल लिख दो, पबजी मोबाइल, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रीम करना हो, और कैटेगरी पर सर्च कर दो जिस भी गेम की आपको स्ट्रीम करनी है। जैसे भाई हमको पबजी मोबाइल की करनी, तो हमने पबजी मोबाइल कैटेगरी पर कर दिया। लैंग्वेज भाई इंग्लिश डिफॉल्ट रहने दो और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये भाई पबजी मोबाइल आपका ऐड हो गया। अब भाई इसके बाद होती हैं थोड़ा मेन चीज़ें चालू। ठीक है, सबसे नीचे भाई आपको यहाँ पर देखेगा भाई आप ऐड वगैरह कर सकते हो क्लिक करके, वीडियो वगैरह, बट उससे पहले भाई देखो सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पर मोड का ऑप्शन है, मोड पे क्लिक करना और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, एडवांस फुल स्क्रीन वाला। ठीक है, तो इससे भाई आपकी जो भी स्ट्रीम करोगे ना, वो फुल स्क्रीन में शो होगा। ठीक है, एक बार और देख लो, मोड पे जाके एडवांस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं भाई काफ़ी सारे, रेड ग्रीन ब्लू इमेज वगैरह का ये सब, तो भाई इसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं। भाई इसमें कुछ नहीं है, आप चाहे तो अपना टिंट चेंज कर सकते हैं आपकी स्ट्रीम का, वो रेड कलर पर बेस्ड हो, ग्रीन कलर पर बेस्ड हो, या ब्लू कलर पर बेस्ड हो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो भाई वहाँ पर ऐड का बटन था, ऐड पे बटन पर क्लिक करके यहाँ पर भाई ऐड इमेज फ्रॉम फोटोज़ कर सकते हो या फाइल कर सकते हो। तो भाई हमने फोटोज़ से किया, यहाँ पर हम अपना ओवरले ऐड कर लेते हैं। ओवरले कैसे बनाना, तो भाई अगर आपको ये सीखना, तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओवरले ऐड कर लिया है, इसको हमने भाई आगे पीछे कर सकते हैं। और भाई ये जो वाटर मार्क है ना, ये वाटर मार्क अगर आपको हटाना, तो परचेस करना पड़ेगा। भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा बिना परचेस करे यूज़ करो, पसंद आए तो परचेस करो। ठीक है, और बस भाई ये प्रोसीजर हो गया अपना, ओवरले अपना सेट हो गया, वीडियो भी सेट हो गया। यहाँ से अपन इंटरनल वॉइस और जो माइक की अपनी वॉइस है वो भाई चेंज कर सकते हैं चाहे तो, बट भाई डिफॉल्ट जो है ना उस
पे भी काफ़ी अच्छा है, और आप चेक करके देख लेना आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेटिंग्स पे। तो ऊपर 3 डॉट थे, वहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं, रेजोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई बाई डिफॉल्ट 720 रहता है, और आप इसमें भाई मैक्सिमम 1080p 60fps तक कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई मैं 1080p 60fps पे करता हूँ। अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो आप मेरी स्ट्रीम चेक कर सकते हो। भाई ये ध्यान रखना, लिमिटेड टू 30fps को ऑन मत करना, वरना आप कितना भी अच्छा फ़ोन डिवाइस कुछ भी हो, आपका 30fps पे ही वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई इन गेट्स का ऑप्शन था, वहाँ पे चलो, वहाँ पे ऐड इन्फो पे क्लिक करो, और यहाँ पे भाई आपका जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रीम करनी है वो ऐड कर दो। जैसे मुझे यूट्यूब पे करनी है तो मैंने यूट्यूब लिख दिया। अब भाई सर्वर URL और सर्वर की आपको कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए भाई आपको क्रोम ओपन करना है अपना, PC पे या डेस्कटॉप मोड पे क्रोम ओपन करना। यहाँ पे देखो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे भाई आपका जो क्रिएट का ऑप्शन है ना, प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करना, गो लाइव पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करोगे भाई, आपकी एक और विंडो खुल जाएगी। वो भाई इस विंडो के थ्रू ही आप वहाँ से सर्वर URL और भाई स्ट्रीम की यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, तो ये देखो हम यहाँ पर आ गए सिंपली, ठीक है। थोड़ा बहुत लोडिंग स्क्रीन लेगा, लोडिंग लेगा बट उसके बाद खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारी भाई पहले स्ट्रीम की थी, टाइटल वगैरह सब पहले से सेट है, बट आपका नहीं होगा तो आप कर लेना, ठीक है। वो भी कैसे करना भी बताते हैं। सबसे पहले देखो नीचे लिखा है स्ट्रीम URL, तो यहाँ से भाई आपको ये सिंपली कॉपी कर लेना फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला वर्क नहीं करता तो फिर सेकंड वाला यूज़ करना, वरना फर्स्ट वाला करेगा, ठीक है। और स्ट्रीम की भाई उसके जस्ट ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। ये भाई मैं शो नहीं कर सकता, आप भी शो मत करना अपनी स्ट्रीम पे, वरना भाई जो भी होगा फिर उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। शो मत करना, यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना और अपने उस ऐप में मतलब स्ट्रीम चैम्प पे। अब वो क्या करना है तो वहाँ पे चलते हैं अपने स्ट्रीम चैम्प पे। तो यहाँ पर देखो सर्वर URL हमने पेस्ट कर दिया, और स्ट्रीम की भी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और ऐड के बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूट्यूब लिख के आ गया भाई। इस तरह हम YouTube को पर स्ट्रीम कर सकते हैं, ऐड कर दिया अपन ने YouTube को, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लो, आपको और जो भी चीज़ें चेंज करनी है ना, जैसे अगर आप चाहते हैं ओवरले ऊपर नीचे लगाना, ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो यहीं पर चल लेते हैं। और भाई सिंपली नीचे एक ब्रॉडकास्ट का बटन, उस पर क्लिक करोगे ना तो भाई आपकी ब्रॉडकास्टिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। मेरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भाई मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जगह स्ट्रीम चैम्प से स्टार्ट किया तो भाई मेरा इशू हो जाएगा, मतलब फिर स्ट्रीम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। अब आपको चलते हैं PC पे प्रूफ दिखा देते हैं। तो ये देखो भाई जो अभी अपन शो कर रहे थे ना कि कैसे कैसे प्रोसीजर करना, उसी की स्ट्रीम चल रही है, ठीक है। देख लो लाइव चल रही है भाई, टाइमिंग वगैरह सब सेम है, देख लो आप नीचे PC पे टाइमिंग देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको थंबनेल टाइटल चेंज करना है तो भाई एडिट पे क्लिक करो, यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ A to Z चीज़ें चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। लाइव चैट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी लाइव चैट आएंगे वो स्लो आए, फास्ट आए, जो भी करना है आपको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यही था, मतलब बहुत ही ईजी सेटअप, ठीक है। बहुत इजी ऐप है भाई, मुझे भी शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, बट फिर जैसे मैंने यूज़ किया तो भाई बहुत इजी लगा था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप स्ट्रीम एंड कर दो, हम कर देते हैं, क्योंकि भाई अभी हमको लाइव करना नहीं है, ओनली वीडियो बनानी थी। तो भाई साहब यही था अपना प्रोसीजर, जो भी था स्ट्रीम चैम का, जो भी इशूज़ हैं भाई हमें कमेंट करके बताओ, लाइक मारो वीडियो को, सब्सक्राइब मारो चैनल को, और हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।